हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फोर्थ पार्ट ऑफ इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक क्लास। तो आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। देखिए, प्रूव द फॉलोइंग। तो फर्स्ट नंबर दिया गया है आपको, साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 36 डिवाइडेड बाई 85। ओके, तो देखिए ये आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का है ना, आपका जो फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फॉर्मूला हम इसको एक्स वाई मान के पुट कर दिए। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई हियर, सी 3/5 रूट ओवर ऑफ 1 माइनस 8/17 होल स्क्वायर प्लस 8/17 रूट ओवर ऑफ 1 माइनस 3/5 होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने के बाद देखिएगा, आ जाएगा आपका साइन इनवर्स 45 प्लस 32 डिवाइड बाई 85, दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स 77 डिवाइड बाई 85। एंड ऑल्सो वी नो दैट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू द फॉर्मूला ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर। तो हमने यहाँ पे साइन इनवर्स की जगह कॉस इनवर्स करके पुट कर दिए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। आफ्टर दैट इसको जब सॉल्व करोगे आपको मिल जाएगा 36 डिवाइड बाई 85। ठीक है, सो हमने प्रूव करके दिखा दिया कि इसका RHS इज इक्वल टू LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, देखिए नेक्स्ट नंबर बिट टू। देखिए साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 33 डिवाइड बाई 65। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक LHS पार्ट, फिर जाके हमको RHS दिखाना होता है। तो LHS आपका जो है इधर लिख दिए हम पहले। आफ्टर सी साइन इनवर्स 3/5 को एज्यूअल रहने दिए, प्लस ये जो कॉस इनवर्स 12/13 है इसका फॉर्मूला क्या होगा आपका, साइन इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो हमने पुट कर दिया कॉस इनवर्स एक्स की जगह साइन इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आफ्टर डेट सी इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा आपके पास 5/13। ठीक है, 5/13 जब आ गया आपको फॉर्मूला मिल जाए साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, डिसेंड जब किए थे हम यहाँ पे, है ना। तो उसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे, दैट इज एक्स इंटू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसको एक्स मानेंगे और इसको वाई मानेंगे, है ना, पुट कर देंगे तो निकल के आ जाएगा आपका। देखिए आफ्टर स्टॉल 36 प्लस 20 डिवाइड बाई 65 एंड दैट इज 56 डिवाइड बाई 65। ठीक है, फर्दर इसको क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स मान के फॉर्मूला पुट कर देंगे, दैट इज कॉस इनवर्स रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है कि नहीं। आफ्टर दैट सी इसको सॉल्व करेंगे तो 33 डिवाइड बाई 65 आ जाएगा, जो कि आपको प्रूफ करने के लिए दिया गया है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए एक्चुअल में हमने आपको पूरा सॉल्व नहीं बताया, लेकिन आपको बिट बाय बिट लिख दिए हैं कि इसके बाद ये आया है, इसके बाद ये आया है, आप देख के खुद समझ के कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, टेन इनवर्स 1/7 प्लस टेन इनवर्स 1/13 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2/9 है। तो आपको फॉर्मूला पता है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई। अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला आई एम पुटिंग दैट टेन इनवर्स 1/7 प्लस 1/13 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/7 इंटू 1/13। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा टेन इनवर्स 20/90, 0 0 कैंसिल होने के बाद 2/9, टेन इनवर्स 2/9 जो आपको प्रूफ करने के लिए दिया गया है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आई भी पे आइए। टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/5 प्लस टेन इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू 5/4 हमको दिखाना है। तो देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड प्लस माइनस जेड एक्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हम इसको एक्स मानेंगे, वाई मानेंगे, जेड मानेंगे और जो जो ये इसका फॉर्मूला जो है जैसा है वैसा पुट कर देंगे। ठीक है, दैट इज 1/2 प्लस 1/5 प्लस 1/8 माइनस 1/2 इंटू 1/5 इंटू 1/8 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/2 इंटू 1/5 माइनस 1/5 इंटू 1/8 माइनस 1/8 इंटू 1/2। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा टेन इनवर्स 65 डिवाइड बाई 65, ये कट जाएगा तो 1 होगा। सो टेन इनवर्स 1 क्या होता है, कब आता है, 5/4 में आता है, 45 डिग्री में। RHS हमने दिखा दिया। ठीक है, 5/4 भी नंबर देखिए, टेन ऑफ 2 टेन इनवर्स 1/5 माइनस 5/4 प्लस 7/17
इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या किए, पहले एल एच एस पार्ट ले लिए, आफ्टर दैट सी टेन, ये देखिए टू टेन इनवर्स वन बाई एक्स है, तो टू टेन इनवर्स एक्स करके जो आपका फॉर्मूला है यहाँ पर पुट करेंगे। सो टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टू एक्स डिवाइड बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम एक्स मानेंगे, एक्स मानेंगे तो हो जाएगा टू इंटू वन बाई फाइव डिवाइड बाई वन बाई फाइव होल स्क्वायर माइनस फाइव बाई फोर प्लस सेवन बाई सेवनटीन, एज यूजुअल रख दिए, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे बेटा तो ये आपका निकल के आ जाएगा टू बाई फाइव इंटू ट्वेंटी फाइव बाई ट्वेंटी फोर माइनस फाइव बाई फोर प्लस सेवन बाई सेवनटीन इज इक्वल टू, आफ्टर दैट सी टेन ऑफ टेन इनवर्स टेन बाई ट्वेंटी फोर को अलग करके माइनस टेन इनवर्स टेन ऑफ पाई बाई फोर अलग लिखेंगे, ठीक है। मतलब ये टेन इसको एक बार देंगे, ये टेन इसको एक बार देंगे, दैट इज टेन ऑफ टेन इनवर्स टेन बाई ट्वेंटी फोर माइनस टेन ऑफ पाई बाई फोर, ठीक है, डिवाइड बाय वन प्लस टेन ऑफ टेन इनवर्स टेन बाई ट्वेंटी फोर इंटू टेन ऑफ पाई बाई फोर। समझ में आ गया, मतलब ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है। हमने आपको टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई फॉर्मूला पढ़ाए हैं, कन्फ्यूज मत होना, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई फॉर्मूला है, देन टेन एक्स प्लस वाई है, टेन इन टेन ऑफ एक्स प्लस वाई है एंड टेन ऑफ एक्स माइनस वाई है, ठीक है। तो ये आपका होगा टेन ऑफ एक्स, इसको एक्स मानोगे, इसको वाई मानोगे। समझ में आ गया, अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पर हम फॉर्मूला पुट किए हैं, ओके। प्लस सेवन बाई सेवनटीन इज इक्वल टू, देखिए टेन टेन इनवर्स है, ये कट के टेन बाई ट्वेंटी फोर होगा, माइनस टेन पाई बाई फोर कब आता है, वन में आता है, डिवाइड बाई वन प्लस ये तो वन हो जाएगा, टेन ऑफ टेन इनवर्स टेन बाई ट्वेंटी फोर होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का तो आपके पास आंसर आ जाएगा जीरो, तो हमने वो प्रूव कर दिया, ठीक है।